जनपद में 31 दिसंबर 2023 तक धारा 144 लागू, भीड़ जुटाने पर होगी कार्यवाही, आगामी त्योहारों के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, सहारनपुर जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। सहारनपुर में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने, चार या चार से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर अब कार्यवाही होगी। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाओं की साजिश की जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों, रेलवे स्टेशनों, त्योहारों के चलते निगरानी में रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कहा कि दीपावली निकट भविष्य में संपन्न होने वाले दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, चित्रगुप्त जयंती, नरक चतुर्दशी, छठ पूजा, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस डे आदि व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न चयन व प्रवेश परीक्षाओं, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों, रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की साजिश की जा सकती है। वहीं कुछ तत्व वे लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिससे कि लोक शांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। जी आपको बता दें कि जारी आदेश में ये भी कहा गया है, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण के जाने में किया जा सकता है, यथा चाकू, भाला, बर्छी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही इनको किसी स्थान पर एकत्रित करेगा और न ही इनका सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। वहीं आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक स्थल और अपने घर की छत पर किसी भी प्रकार की ईंटें, पत्थर और किसी भी प्रकार की मिट्टी, कांच की बोतलें एकत्रित नहीं करेगा जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना। एक बार फिर से लौटेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।